insert pictures in Word, okay, from any drive, from desktop, how to insert pictures, okay. तो सबसे पहले जैसे हमने क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, जैसे हमने शेप्स इंसर्ट किए वैसे ही हम सेम एज इट इज पिक्चर इंसर्ट करेंगे. तो पिक्चर्स इंसर्ट टैब पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे कौन सा ऑप्शंस दिख रहा है, पिक्चर्स. ओके, दिस डिवाइस मतलब आपको कंप्यूटर में से, लैपटॉप में से, जहाँ आपके कंप्यूटर लैपटॉप में पिक्चर्स इंसर्ट हैं, जहाँ हैं वो आपको पाथ डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, सिलेक्ट करना पड़ेगा. सपोज दिस डिवाइस, तो यहाँ पे पूरा लोकेशन दिख रहा है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या डेस्कटॉप. सपोज मुझे डेस्कटॉप से कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर एक पिक्चर को सिलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन इंसर्ट. आपको पिक्चर दिख रही है, इसको हम लार्ज स्मॉल, ओके, दोनों साइड से ये हैंडल्स होते हैं, चार कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, दैट इज कॉल्ड दिस वन इज हैंडल. क्या आपको रोटेट करना है पिक्चर को, या यहाँ से आप स्मॉल करना है, जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो आप, ठीक है. जूम इन मतलब छोटा करना, जूम आउट मतलब बड़ा करना, लार्ज करना, ठीक है. तो ऐसे हम पिक्चर को इंसर्ट करेंगे, एक और पिक्चर इंसर्ट करेंगे, अगेन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, सिलेक्ट पिक्चर, दिस डिवाइस, सपोज दिस, एंड सिलेक्ट एंड इंसर्ट. आपको दिख रही है एक फ्लावर की पिक्चर है, ठीक है, इसमें भी हम हैंडल के थ्रू इसको लार्ज कर देंगे, ओके, दैट इज कॉल्ड इंसर्टिंग अ पिक्चर. अगर आपको ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्लिक ऑन ऑनलाइन पिक्चर्स, एक आपको पेज लोड होगा, वहाँ पर जिस पिक्चर को आप सर्च करना चाहते हो, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे देखो बहुत सारे पिक्चर्स हैं, ओके, यहाँ पे देखो बहुत सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं, तो मैंने सपोज इस एक पपी, ठीक है, ये डॉग को इंसर्ट, जैसे क्लिक किया डॉग पे तो बहुत सारे डॉग के पिक्चर्स आए, सपोज मैंने इंसर्ट, तो देखो आप देखोगे कि, बट इसके लिए आपके पास नेट होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको एक डॉग की इमेज ऑनलाइन जो इंसर्ट करी वो दिखेगी, ओके, दैट इज कॉल्ड इंसर्टिंग अ पिक्चर. अभी हम जैसे ही मोबाइल में पिक्चर कैप्चर करते हैं तो उसको अगर क्रॉप करना है, पिक्चर बहुत लार्ज है या कुछ एक्स्ट्रा पिक्चर में आ गया है तो उसको हमको क्रॉप करना है, तो वो हम मोबाइल में तो कर सकते हैं, बट हम कंप्यूटर में कैसे करेंगे क्रॉपिंग अ पिक्चर, अगर क्लियर नहीं है पिक्चर उसको करेक्ट करना है तो कैसे चेंज करेंगे. तो देखो बेटा, आपको पिक्चर पे डबल क्लिक करना पड़ेगा, तो जैसे हमने शेप्स पे डबल क्लिक किया था वैसे हम पिक्चर पे डबल क्लिक करेंगे, तो कौन सा टैब आएगा, फॉर्मेट टैब, ठीक है. जैसे ही हम पिक्चर पे क्लिक किया तो यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आता है क्रॉप, जैसे ही क्रॉप पे क्लिक किया तो यहाँ से हम पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, देखो, ओके. जैसे इसमें डॉग में जो ग्रीन बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, तो डबल क्लिक ऑन डॉग, देन फॉर्मेट एंड देन क्रॉप. जैसे क्रॉप किया, आपको यहाँ से भी क्रॉप करना है, यहाँ से भी क्रॉप कर सकते हैं, और सिलेक्ट, तो देखो आपको पूरा हाइड हो गया, ठीक है, क्रॉपिंग हो गई. और पिक्चर की अगर क्लियरिटी चेंज करनी है तो आपको देखो आपके बुक में है पेज नंबर 55 पे अपीयरेंस ऑफ द इमेज, ठीक है. आपने क्रॉपिंग तो देखा, क्रॉपिंग हैंडल से कैसे क्रॉप करते हैं. अभी नेक्स्ट है अपीयरेंस ऑफ द इमेज, कि हम को कैसे उसको चेंज कर सकते हैं. देखो इधर अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है, तो देखो पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है. अभी डिस्कार्ड, अभी करेक्शन, करेक्शन में मतलब आपको कितना हाई डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, तो वैसे हम उसको करेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है. कलर भी है इसमें, जैसे आपने मोबाइल में करते हैं ना ब्लैक एंड वाइट, ब्लू, रेड, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, सेम यहाँ पर भी हम उसको ब्लैक एंड वाइट में चेंज कर सकते हैं. आर्टिस्टिक इफेक्ट्स मतलब
लाइक दिस, ये होते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। इसका बेटा हम यूज़ नहीं करेंगे, बट जस्ट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम एक इमेज में उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसका करेक्शन कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं और आर्टिस्टिक इफेक्ट्स कर सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर मतलब कि आपको कितना उसको स्मॉल करना है, क्या करना है, दैट ये। चेंज पिक्चर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। रीसेट पिक्चर मतलब जैसे आपके पास पहले ओरिजिनल पिक्चर थी, उस जैसे हम रीसेट करते हैं तो वो ओरिजिनल पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इस पिक्चर के ऊपर एक बॉर्डर चाहिए तो आप जैसे ही इस पिक्चर पे डबल क्लिक करोगे, आपको फॉर्मेट टैब में पूरे पिक्चर्स के टूल्स दिखेंगे, ठीक है। सपोज लाइक दिस, मुझे सर्कल में चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, दैट इज दिस वन, ओके। तो हम उस पिक्चर को अकॉर्डिंग टू आर सेल्फ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, दैट इज कॉल्ड अपीयरेंस ऑफ द इमेज। अभी नेक्स्ट इज रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट देखो, अभी आप इस पिक्चर को मूव करते हो तो पिक्चर मूव नहीं हो रही है। अगर मैंने यहाँ पे कोई सपोज टेक्स्ट लिखा, डबल क्लिक किया और एक कर्सर या हेडर आ गया यहाँ, नहीं अभी पहले, सबसे पहले रैप टेक्स्ट का मतलब क्या क्या होता है? द रैप टेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स अ न्यू लाइन व्हेन अ वर्ड इन अ सेंटेंस रीचेस अ बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड लेआउट ऑप्शंस। जैसे ही हम इस पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, अदरवाइज यहाँ से हम राइट क्लिक करके भी रैप टेक्स्ट आ सकता है, और यहाँ तो फॉर्मेट टैब में भी आपको ऊपर रैप टेक्स्ट दिख रहा है, उससे हम टेक्स्ट का इमेज को रैप कर देंगे, मींस हम इमेज को मूव कर सकते हैं। अभी देखो, इमेज मूव हो सकती है, ठीक है। तो हम हमेशा इमेज को टाइट या थ्रू दो ही रैप टेक्स्ट में चेंज करेंगे, ओके। अभी जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है हेलो, ठीक है, और इसकी मैंने साइज बढ़ा दी, और मुझे इसके बाजू में एक इमेज लिखनी है, ठीक है। तो देखो, अगर इमेज रैप टेक्स्ट में कन्वर्टेड होगी तो ही आप इमेज को चेंज कर सकते हो। अभी देखो, मैंने इस इमेज को रैप टेक्स्ट नहीं किया तो मैं इस पिक्चर को मूव नहीं कर सकती। तो मेरे को रैप टेक्स्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक और रैप टेक्स्ट, अदरवाइज डबल क्लिक ऑन रैप पिक्चर, क्लिक ऑन फॉर्मेट टैब एंड रैप टेक्स्ट, और क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको? थ्रू, थ्रू या टाइट ही कर सकते हो। देखो, अभी आप इस पिक्चर को मूव कर सकते हो, ठीक है। अभी इस पिक्चर को मुझे इधर मूव करना है तो आप यहाँ पर भी मूव कर सकते हो, ओके, दैट इज कॉल्ड रैप टेक्स्ट। अभी देखो, ये दोनों पिक्चर को तो हम मूव कर सकते हैं। अभी जो डॉग की हमने इमेज करी, उसको हमने इंसर्ट किया डॉग की इमेज को, उसको हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये इमेज को हमने रैप टेक्स्ट नहीं किया है। रैप टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के ऊपर रैप करना, ठीक है। तो उसके लिए हमको इमेज को अगर मूव करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इमेज को रैपिंग करना पड़ेगा। अगेन क्लिक ऑन हियर रैप टेक्स्ट, राइट क्लिक, ठीक है, थ्रू थ्रू कर देने का, और ये पिक्चर को अगर यहाँ तक लेना है, इसके ऊपर मूव करना है, जहाँ आप इसको रखना चाहते हो वहाँ हम इसको प्लेस कर सकते हैं। सपोज मुझे ये पिक्चर स्मॉल करके यहाँ करें तो हम यहाँ पर भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। तो हम रैप टेक्स्ट का यूज़ क्यों करते हैं कि अगर मुझे चारों साइड टेक्स्ट लिखना है और सेंटर में एक पिक्चर को इंसर्ट करना है तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ओके। नाउ डू इट प्रैक्टिस एट होम एंड सेंड इट टू मी होमवर्क इन माय मेल आईडी, ओके। जैसे एक्शन ब्रेक में आपको दिख रहा है दो टेक्स्ट शेप्स इंसर्ट किए हैं, जो हमने पहले देखा कि हाउ टू इंसर्ट शेप्स एंड हाउ टू राइट टेक्स्ट इन शेप्स। तो
हम दो टेक्स्ट इंसर्ट किए हैं और एक सेंटर में इमेज इंसर्ट करी है, तो आपको भी ठीक है, तो ऐसे आपको भी एक घर पे होम एक्टिविटी करनी है और जिसमें इंसर्ट शेप्स को इंसर्ट करना है, टेक्स्ट हमको टाइपिंग करनी है, क्रॉपिंग करनी है, ओके, और उसका वर्ड आर्ट चेंज कर सकते हैं। जितना भी हमने इसमें टेक्स्ट वर्ड में किया है चैप्टर नंबर 4 में, वो आपको सब प्रैक्टिस करके एक एक्टिविटी मेंशन करनी है, ठीक है। एक्शन, कौन सी एक्टिविटी करनी है आपको, पेज नंबर 57, एक्शन ब्रेक, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, और आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर देना, ओके, थैंक यू।